नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का वशिष्ठ प्राइवेट आईटीआई के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज अपने डीसी जनरेटर के बारे में जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जो है कम्यूटेशन। पिछले वीडियो में जो डीसी जनरेटर का अपन ने देखा, उसमें अपन ने देखा कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है और वो मेन फील्ड फ्लक्स पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, उसको कम करने के लिए अपने कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं, वो अगले लेक्चर में अपने देखेंगे। वैसे ही कम्यूटेशन जो है डीसी जनरेटर पे क्या प्रभाव डालता है उसके बारे में आज देखेंगे, और जो कम्यूटेशन डीसी जनरेटर पे जो प्रभाव डालता है उसको इम्प्रूव कैसे करें अपने, उसका मेथड जो है, जो रेजिस्टेंस मेथड है, चाहे ईएमएफ मेथड है, इंटरपोलर मेथड है, जो इसका काफ़ी जो है पॉपुलर मेथड है, उसके बारे में भी अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ ये देखेंगे कि कम्यूटेशन होता क्या है और इससे नुकसान क्या है, और इसका जो उपाय है, जो इसकी रेमिडीज है, इसको सही कैसे करें, इम्प्रूव कैसे करें, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो कम्यूटेशन होता क्या है? एक्चुअल में ये होता है करंट का रिवर्सल। एक्चुअल में ये क्या है? करंट का रिवर्सल मतलब करंट की डायरेक्शन बदल जाना, विपरीत हो जाना, बदल जाना या विपरीत हो जाना। और होती किसके कारण ही है? ब्रशेस के कारण। करता कौन है ये? ब्रशेस करते हैं, क्योंकि करंट कलेक्ट कौन करेगा? ब्रशेस ही करेंगे। तो कम्यूटेशन का अगर साधारण भाषा में परिभाषा देखें तो एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जब कम्यूटेटर के अपने आते हैं तो उन कोइल्स में जो है करंट का रिवर्सल हो जाना मेरा कम्यूटेटर कहलाता है, कम्यूटेशन कहलाता है। और कम्यूटेशन होता किसके कारण है? और ये जो करंट रिवर्सल करेगा कौन? अपने ब्रशेस करेंगे। तो करंट का जो इस डायरेक्शन में मान लो जा रही है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाना, यही क्या है? अपना कम्यूटेशन है। तो लिखो इसको, ठीक है। अब कुछ डायग्राम बनाते हैं अपने। तो ये तो थी थ्योरेटिकली बात कि करंट का रिवर्सल हुआ ब्रशेस के कारण, और ब्रशेस के थ्रू उसका करंट का रिवर्सल हुआ और ब्रशेस ने करंट को कलेक्ट कर लिया। अब ये होता क्यों है वो अपने देखें। प्रैक्टिकली ये कैसे होता है वो देखते हैं अपने। ये डायग्राम उतारो आप, ये पांच डायग्राम बनाए हैं। अपना ने माना ये ब्रश है, ये क्या है? ब्रशेज है। ये क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट है। कोइल के बराबर ही कितने होते हैं? और कम्यूटेटर सेगमेंट मैंने माना यहाँ से कोई 20 एम्पियर करंट आ रही है, यहाँ से भी कोई 20 एम्पियर करंट आ रही है। ब्रशेस को मैंने माना कि पहले सेगमेंट पे ब्रशेस 0% था, कोई भी ब्रश नहीं था। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा जो ब्रश वो कहाँ है? दो नंबर सेगमेंट पे है। तो करंट कहाँ से कलेक्ट होगी? एक नंबर से होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? कि अगर ब्रश नहीं कनेक्ट है तो करंट भी कलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि करंट को कलेक्ट करने का काम, इकट्ठा करने का काम कौन करेगा? ब्रश करेगा। तो ब्रश किस सेगमेंट पे है? दो नंबर पे। तो सारी की सारी करंट यहाँ से आएगी। तो यहाँ तो ब्रश है नहीं, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम कर गया।
तो सारी की सारी करंट कहाँ चलेगी? यहाँ। तो 20 एम्पियर इधर से आई, 20 एम्पियर यहाँ जाएगी, यहाँ कितनी होगी? 40 एम्पियर करंट मेरे को मिल गई ब्रश 2 के थ्रू। पहला मैंने एक्सटेंडेड कंडीशन मानी कि 20 एम्पियर करंट यहाँ से आई, 20 एम्पियर करंट यहाँ से आई, और ये जो कनेक्शन थे किस पे? कम्यूटेटर सेगमेंट एक पे, कम्यूटेटर सेगमेंट दो पे। ब्रश जो था पूरा का पूरा कहाँ था? दो नंबर ब्रश पे लगा हुआ था। मैंने देखा दो नंबर पे जो है 100% ब्रश लगा हुआ है। तो जब ब्रश सारा दो नंबर पे है तो एक नंबर सेगमेंट कोई भी करंट को कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ब्रश के बिना करंट कलेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, सारी की सारी करंट इधर आ जाएगी। तो 20 थी, 20 की 20 यहाँ चलेगी, 20 इधर से आ रही है, 20 इधर से आ रही, तो यहाँ कितनी चलेगी? 40 एम्पियर। सेकंड केस देखता हूँ मैं, यहाँ गई 20 एम्पियर, यहाँ से आई 20 एम्पियर। अब मैंने माना कि 25% ब्रश जो था वो एक पे है, एक पे ब्रश मैंने माना 25%, और दो पे माना 75%। अब करंट कलेक्ट कौन करेगा? ब्रशेस करेंगे। तो 75% ब्रश किस पे है? दो नंबर सेगमेंट पे। टोटल करंट कितनी है? 40 एम्पियर। तो 40 एम्पियर का 75% जो है सेगमेंट दो कलेक्ट कर लेगा, और 25% जो है वो सेगमेंट एक कलेक्ट कर लेगा। अब टोटल करंट कितनी थी? 40, 40 का 25% 10 एम्पियर। तो 10 एम्पियर करंट यहाँ से आएगी, 40 का 75% 30 एम्पियर, तो 30 एम्पियर करंट यहाँ से आएगी। तो अब मैंने देखा 20 एम्पियर करंट यहाँ थी, यहाँ कितनी आ रही है? 30। तो इसका मतलब यहाँ से 10 एम्पियर करंट आई, तभी तो 20 और 10 कितने हुए? 30। और यहाँ से 20 थी, तो 20 10 यहाँ चलेगी, 10 यहाँ पे चलेगी। तो अब मैंने देखा पहले करंट कितनी थी? 20 एम्पियर, अब कितनी होगी? 10 एम्पियर। लेकिन डायरेक्शन दोनों की अभी भी क्या है? सेम है। तो इसका मतलब अभी कम्यूटेशन नहीं हुआ। फिर मैंने देखा दोनों ब्रशेस पे, दोनों सेगमेंट पे 50% ब्रशेस को रख दिया। तो 50% एक नंबर ब्रश पे और 50% दो नंबर सेगमेंट पे, सॉरी मैंने ब्रश को रखा। तो यहाँ से कितनी थी? 20। यहाँ भी कितनी है? 20। अब दोनों ब्रश 50% है, तो 20 एम्पियर करंट ये ले लेगा, 20 एम्पियर करंट ये ले लेगा। टोटल करंट कितनी थी? 40। 40 का 50% ये ब्रश कलेक्ट करेगा, 50% ये ब्रश कलेक्ट करेगा। तो 20 की 20 यहाँ चलेगी, 20 की 20 यहाँ चलेगी, तो यहाँ कितनी रही? 0 एम्पियर। क्यों? पूरी 20 यहाँ चलेगी, पूरी 20 यहाँ चलेगी, तो इस पे क्या रहा? कुछ नहीं रहा। पहले कितनी थी? 20, अब कितनी थी? 10, अब कितनी है? 0। फिर देखा मैंने 75%, अब मैंने क्या करा? ब्रश को रखा किस पे? एक नंबर पे, और दो पे रखा 25%। अब क्या होगा? टोटल करंट कितनी है? 40। यहाँ 20 गई, यहाँ से 20 आई, अब टोटल करंट है 40। 40 का 75% कहाँ है? एक ब्रश पे। तो 30 यहाँ आई और 10 यहाँ चलेगी। तो 20 यहाँ थी, 20 में से 10 यहाँ चलेगी, तो इधर कितनी बची? 10। 20 और 10 30। तो अब देखो डायरेक्शन चेंज हुई ना, पहले यहाँ जा रही थी, अब इधर हो गई है। लेकिन पूरी करंट की डायरेक्शन अभी भी चेंज नहीं हुई। यहाँ कितनी है? 20 एम्पियर। यहाँ कितनी है? 10। तो अभी 10 एम्पियर करंट और पड़ी है। तो फिर से 20 यहाँ गई, फिर से 20 यहाँ आई, एक पे 100% हुआ और दो पे 0% हुआ ब्रश। पूरा का पूरा ब्रश कहाँ आ गया? एक नंबर पे। तो अब यहाँ से इस दो नंबर पे ब्रश नहीं है, तो कोई भी करंट कलेक्ट नहीं होगी। तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, पूरी की पूरी 20 एम्पियर करंट कहाँ चली जाएगी? यहाँ। और यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगी? 40 एम्पियर। तो ये देखो करंट का रिवर्सल हो गया। कहना क्या चाहता है डायग्राम में, दोबारा से देखें आप अगर, कि मैंने कहा कम्यूटेशन, कम्यूटेशन क्या होता है कि करंट का रिवर्सल जो है कॉइल्स में, करंट का रिवर्सल जब होता है तो वो कम्यूटेशन कहलाता है। किसके कारण होता है? ब्रशेस के कारण। ये थ्योरेटिकली मैंने देखा कि कॉइल्स में करंट का रिवर्सल जो है वो कम्यूटेशन कहलाता है, और ब्रशेस के कारण ये करंट का रिवर्सल होता है। ये तो मैंने देखा थ्योरेटिकली। अब मैंने प्रैक्टिकली डायग्राम के थ्रू देखा, मैंने माना एक पहले करंट यहाँ से 20 एम्पियर इधर आ रही थी, यहाँ से 20 एम्पियर इधर जा रही थी, और ब्रश जो पूरा पूरा दो नंबर सेगमेंट में था, एक पे कुछ नहीं था। तो करंट कलेक्ट कौन करेगी? 20 ये जो ब्रशेज अपने, तो सारी की सारी करंट यहाँ आ गई, 20 एम्पियर ये वाली, 20 एम्पियर ये वाली, कहाँ आ गई? इस दो नंबर ब्रश पे। अब ब्रश को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे, पहले 25% शिफ्ट करा, तो एक नंबर सेगमेंट ने 25% करंट भी कलेक्ट करनी चालू कर दी। फिर मैंने 50% ब्रश को एक पे सरकाया, तो क्या आधी आधी करंट दोनों शेयर करने लगे। फिर 75% एक पे करा,
तो तीन हिस्से जो थे वो एक नंबर ब्रश कलेक्ट करने लग गया, और जो 25% था वो दो नंबर ब्रश कलेक्ट करने लग गया। और जब पूरा का पूरा ब्रश मैंने एक नंबर पे शिफ्ट करा, तो जब दो पे ब्रश नहीं है तो कोई करंट कलेक्ट नहीं होगी, सारी की सारी करंट कहाँ होगी, एक नंबर सेगमेंट से। तो अपने देखे पहले 20 जो एम्पियर की डायरेक्शन थी वो इधर थी, अब कहाँ होगी, इधर। तो ये करंट रिवर्सल हो गया, पहली बात अपनी कम्यूटेशन की सही होगी, दूसरी ब्रशेज के कारण। तो अब ये करंट का रिवर्सल किस कारण हुआ, ब्रश को मैंने शिफ्ट करा, दो से एक की तरफ ब्रश शिफ्ट हुए तभी करंट का रिवर्सल हुआ। तो अपने ये कह सकते हैं कि कम्यूटेशन करंट का रिवर्सल होता है, ब्रशेज के कारण होता है, और ये डायग्राम आप समझ सकते हैं। अगर एक और डायग्राम आप देखें, मैं देखूं कि सबसे पहले करंट इस डायरेक्शन में जा रही थी कितनी, 20, सबसे पहले करंट थी 20 एम्पियर, फिर कम हुई, कम हो के कितनी होगी प्लस 10 एम्पियर, फिर कम हो के होगी 0 एम्पियर, फिर माइनस 10 एम्पियर, फिर माइनस 20 एम्पियर। इसको बोलते हैं टीसी, कम्यूटेशन टाइम, इसको बोलते हैं टीसी, कम्यूटेशन टाइम। तो अब इसकी बात कर लेते क्या होता है, मैंने कहा करंट का रिवर्सल ब्रशेस के कारण होता है, उसको अपने कम्यूटेशन बोलते हैं। अगर वो दिए गए कम्यूटेशन टाइम में करंट का रिवर्सल हो जाए, उसको वो कहलाता है अपना सक्सेसफुल कम्यूटेशन। अगर दिए गए टाइम टीसी में करंट जो 20 एम्पियर इधर जा रही थी वो इधर उसकी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, तब तो सक्सेसफुल कम्यूटेशन कहलाता है। अगर इस टाइम से ज़्यादा में अगर करंट का रिवर्सल होगा तो यहाँ क्या है, स्पार्किंग होनी स्टार्ट हो जाती है, जो डिज़ायरेबल कंडीशन नहीं है, जो डिज़ायरेबल कंडीशन नहीं है। ये अपने को स्पार्किंग नहीं चाहिए, क्योंकि स्पार्किंग होने से मेरे ब्रश खराब हो सकते हैं, एक्स्ट्रा हीट प्रोड्यूस हो सकती है, जिससे और भी कई लॉसेज अपने जनरेटर को हो जाएंगे। तो पहली बात कम्यूटेशन क्या था, करंट का रिवर्सल किसके कारण, ब्रशेस के कारण। और अगर दिए हुए कम्यूटेशन टाइम में ही अगर करंट रिवर्स हो जाए पूरी की पूरी, तो उसको बोलते हैं सक्सेसफुल कम्यूटेशन। और अगर इससे टीसी से ज़्यादा टाइम अगर करंट रिवर्स होने में ले रहा है, तो उसे बोलते हैं अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन। और उसके कारण, उसके परिणाम स्वरूप क्या होती है, स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाती है। और इसी स्पार्किंग को दूर करने के लिए, इसी कम्यूटेशन टाइम को इम्प्रूव करने के लिए, इसी कम्यूटेशन को जो है कम्यूटेशन टाइम के अंदर ही कंप्लीट करने के लिए अपने जो है इसको इम्प्रूवमेंट मेथड यूज़ करते हैं, इम्प्रूवमेंट मेथड यूज़ करते हैं। और जिसमें सबसे पॉपुलर वैसे रेजिस्टेंस मेथड और ईएमएफ मेथड दो टाइप के होते हैं, वो आगे अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेथड इसमें वो होता है इंटरपोल मेथड। इंटरपोल वाइंडिंग यूज़ करते हैं, इंटरपोल यूज़ करते हैं कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि अपना जो है डीसी जनरेटर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, एक्चुअल में ये ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा। अगर आपको कंपटीशन के लिए तैयार होना है तो आपको हर बेसिक पे ध्यान करना पड़ेगा, वरना अपने सीधे भी इस डायग्राम को करने की कहाँ जरूरत है। मैं सीधा कहूँ कि कम्यूटेशन क्या होता है, करंट का रिवर्सल ब्रशेस के कारण होता है, इंटरपोल से उसको अपने इम्प्रूव कर लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, अभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप सोच रहे होंगे अभी नहीं है, लेकिन तैयारी भी आज अपनी नहीं है, तो एग्ज़ाम के टाइम आपकी तैयारी 100% हो, उसके लिए अपने को बेसिक को क्लियर करना ज़रूरी है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।